दोस्तों फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटोन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जो हमारे पास एक टीवी आया है, 17 इंच का टीवी है। जो टीवी का प्रॉब्लम है आप लोग देख सकते हैं। मैं जब टीवी पे लाइन देता हूँ, टीवी पे एक आवाज़ आ रहा है, लेकिन हमारे टीवी पे कोई पिक्चर नहीं आ रहा है और टीवी पावर का इंडिकेटर भी नहीं जल रहा है। मतलब हमारा पावर सेक्शन पे कोई प्रॉब्लम है। चलो चेक करते हैं इसका प्रॉब्लम क्या होता है। आप लोग सुन सकते हैं शायद इसका आवाज़। ठीक है दोस्तों, इसको खोल के चेक करते हैं इसका क्या प्रॉब्लम निकलता है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर दिया है। ओपन कर देने के बाद इस सिस्टम पे जो हमारा वोल्टेज जो जो होता है वो चेक करेंगे। उसके बाद पता चलेगा हमारा कहाँ पे प्रॉब्लम आया है। मतलब दोस्तों मैं टीवी पे जब लाइन देता हूँ, मेरा तो वही आवाज़ आ रहा है। और दोस्तों आप लोग देखिए, जो मेरा मेन वोल्टेज होता है वो 110 वोल्ट, आप लोग देख सकते हैं मेरा 110 वोल्ट नहीं है, 18 वोल्ट होके रह गया, 0.8 वोल्ट होके रह गया है। इसीलिए दोस्तों हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम पे हमारा आउटपुट सेक्शन जो होता है वो सिस्टम सेक्शन पे हमारा फॉल्ट है। मतलब जो हमारा ईएसटी सेक्शन होता है वही ईएसटी सेक्शन पे हमारा फॉल्ट है। इसीलिए हमारा ये वाला इनपुट सेक्शन से जो पावर सेक्शन से जो मेन वोल्टेज निकलता है वो वोल्टेज हमारा यहाँ पे शॉर्ट हो गया है। मतलब दोस्तों हमारा जो आउटपुट सेक्शन है वो सेक्शन को हम लोग आउट कर देंगे तो ये वाला जो हमारा कॉइल दिया गया है वो कॉइल को जो ओपन कर देंगे, कॉइल को ओपन कर देंगे तो हमारा ये वाला वोल्टेज स्टैंड हो जाएगा ये, और हमारा जो शॉर्ट है वो काट जाएगा। मत आप लोगों को ये ओपन करके दिखा देता हूँ हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद हमारा जो पावर सेक्शन पे जो आवाज़ आ रहा था वो आवाज़ हमारा चला गया है, और हमारा जो पावर सेक्शन है इसका मेन वोल्टेज आप चेक कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारा मेन पावर जो होता है 170 वोल्ट आ गया, 17 वोल्ट आ गया है। मतलब हमारा आउटपुट सेक्शन पे ही कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए हमारा इनपुट सेक्शन पे जो आउट पावर निकलता है वो वोल्टेज को शॉर्ट कर देता है। और ये आउटपुट सेक्शन से हमारा ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है, बूस्ट पीएफ भी ख़राब हो सकता है और हमारा ईएसटी भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए दोस्तों एक एक करके चेक करेंगे और चेक करने के बाद आप लोगों को बताता हूँ क्या प्रॉब्लम निकलता है। दोस्तों मेरा जो प्रॉब्लम था, जो आउटपुट शॉर्ट का जो प्रॉब्लम था, अभी तक हमारा जो प्रॉब्लम निकला है ये वाला जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है जो हमारा 1010 ESD के लिए होता है वो हमारा 2499 होता है, और जो हमारा 1803 होता है ये वाला ये ट्रांजिस्टर। इसके बदले में दोस्तों इसको कोई हमारा वो 2310 FX लगाया था, ये ख़राब हो चुका है, ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो चुका है। इसके बदले में मैं दोस्तों यहाँ पे D2499 लगाऊंगा, और ये उस आउटपुट शॉर्ट होने से ही हमारा ये वोल्टेज शॉर्ट हो गया था। इसको इसको लगाने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा हमारा कोई प्रॉब्लम आया कि नहीं। ये ट्रांजिस्टर लगाने से पहले आप लोगों को बता दूँ, ये वाला जो हमने कनेक्शन ओपन किया था इसको कनेक्ट कर देंगे और देखेंगे हमारा ESD सेक्शन पे कोई प्रॉब्लम आया था आया तो हमारा ये वोल्टेज शॉर्ट हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम शॉर्ट नहीं होता तो हमारा ये वोल्टेज हमारा सही तरीक़ा से हमारा जो हमारा ट्रांजिस्टर आउटपुट ट्रांजिस्टर होता है वो मिडिल पिन पे आ जाएगा। ठीक है, इसको कनेक्ट करके हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं। दोस्तों मैंने जो कॉइल को ओपन किया था इसको कनेक्ट कर दिया हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद भी हमारा टीवी पे जब लाइन देता हूँ तब मेरा वो बीप आवाज़ नहीं आता, और हमारा जो वोल्टेज था वो वोल्टेज भी आ गया है। आप लोग देख सकते हैं इस मिडिल पिन पे हमारा जो वोल्टेज आना चाहिए था वो वोल्टेज हमारा आ गया है 15 वोल्ट। मतलब दोस्तों ये जो शॉर्ट था वो शॉर्ट तो काट गया है, इसीलिए ये वाला ट्रांजिस्टर को आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने से हमारा टीवी चालू होना चाहिए। इस ट्रांजिस्टर को लगाने के बाद ही पता चलेगा हमारा टीवी चालू होता है कि नहीं। ठीक है, चलो ये ट्रांजिस्टर को लगाते हैं।
दोस्तों मैंने यहाँ पे जो आउटपुट ट्रांजिस्टर था वो ट्रांजिस्टर को लगा लिया हूँ। यहाँ पे लगाया हूँ मैं 2499 का ट्रांजिस्टर लगाया हुआ हूँ। और लगाने के बाद दोस्तों हमारा जो बीप आवाज़ था वो भी नहीं है और हमारा टीवी भी चालू हो सकता है। मतलब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वोल्टेज आ गया है, जो हमारा मेन वोल्टेज होता है वो भी वोल्टेज आ गया है। और जो हमारा योक पे जो हमारा वोल्टेज होता है, जो ब्लू वायर पे वोल्टेज होता है वो भी आ गया है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा टीवी ऑन हो गया है। मतलब दोस्तों आज का प्रॉब्लम था हमारा पावर शॉर्टेज का, वो शॉर्टेज हुआ था हमारा आउटपुट सेक्शन के लिए। जो हमारा आउटपुट सेक्शन ख़राब था, वो जो आउटपुट ट्रांजिस्टर था वो हमारा ख़राब हो चुका था, इसीलिए हमारा ये प्रॉब्लम आया था। ठीक है, इसी तरह का नया नया वीडियो लेके आऊँगा। और मेरा तब तक मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और मेरा बेल आइकन को दबा देना। और दबाने के बाद हमारा नया नया वीडियो आप लोगों को पहले मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।